दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। अम्मी अबू बहुत प्यार से मिले, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया। ताहिर को सच में बदल गए हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा। अम्मी उन्होंने आपकी खैरियत भी मालूम की, पूछ रहे थे आपके बारे में। मुझे यकीन है वो आपको मनाने आएंगे, आपसे माफी मांगे। अम्मी प्लीज आप कुछ तो बोलें। बोले भाई अमीर, बात करें हमसे। अम्मी अब तो आपको आपके सब्र का इनाम भी मिलने वाला है, मुझे यकीन है अबू आपको मनाने के लिए जरूर आएंगे। मैं आपकी जरूरत है ताई अम्मी। अम्मी प्लीज अम्मी कुछ तो बोले। अम्मी हेलो साहरा, मेरी कोई बहन नहीं, मर गई है वो, दफना दिया मैंने उसे। हेलो, क्या कब आप कौन से पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं? ठीक है मैं आ रहा हूं। जी जी मैं फौरन आ रहा हूं। सहरा साहिरा, तुम
सिर्फ तुम्हारे। हाँ सिर्फ मैं ही है इस वक्त भी, सिर्फ मैं ही तो तुम्हारे करीब हूं, लेकिन शायद शायद तुम्हें किसी और का इंतजार था। इंतजार मुझे किसी और का था, लेकिन उसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम क्यों आए हो? इस क्यों का जवाब पहले भी मोहब्बत था और आज भी मोहब्बत ही, इसलिए मजबूर होकर चला आया। तुमने हानिया के साथ मिलकर मुझे इस मुसीबत में धकेला है। नहीं सायरा नहीं, तुम्हारी खुदगर्जी, तुम्हारी बेसब्री ने तुम्हें यहां लाकर खड़ा किया। साहिरा तुम्हारी लालच ने आज तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं। सलीम, तुमने रिश्तों की भी कदर नहीं की साहिरा, यहां तक कि अपनी औलाद की भी। सलीम, तुमने अपने पैरों तले तमाम रिश्तों को रौंद कर ये सब कुछ क्यों किया? आखिर क्यों किया तुमने इतना सब कुछ? चले जाओ यहां से तुम भी, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सहारा? मैंने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह तुम्हें यहां से निकाल कर बाहर ले आऊं, लेकिन जो दफात तुम्हारे केसेस में हैं, उनमें तुम्हारी जमानत नामुमकिन। जो होगा झेलूंगी, मैंने इस सजा को खुद अपने लिए मुंतखब किया है। सारी जिंदगी सजा काटूंगी, लेकिन कभी पलट के ऐसे इंसान के पास नहीं जाऊंगी जिन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। सायरा, उन्हें यही करना चाहिए था, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, तुम जब भी अपनी सजा काट कर आओगी, मैं तुम्हारा मंतजर रहूंगा। साहिरा, तुम मोहब्बत बदलने की आदि हो, लेकिन मैं मोहब्बत निभाने का आदि। आखिरी दम तक अपनी मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाऊंगा। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा है, कुछ खाया भी नहीं है। राहिल, तुम जाके बोलो। मम्मी को ज्यादा देर जागने की आदत नहीं है, सो गई होंगी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अबू को अपनी गलती का एहसास हो गया। मम्मी को सबसे ज्यादा दुख अबू का ही था। सॉरी, आप शहजाद भाई को बोले ना कि आपको कुछ दिन यहाँ रहने दें। ठीक है, मैं बात। तानिया, प्लीज तुम कल तायमी को डॉक्टर के पास ले जाना। सही है, मैं सुबह आ जाऊंगा। चले राहिल।
हानिया प्लीज अम्मी का ख्याल रखना। ओके लेडीज, अल्लाह हाफिज। सोया जरा एक पानी का ग्लास ला दो प्लीज, मैं लेके आता हूँ। मियां ताई अम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, मैं जाकर देखती हूँ। आपको अब सो जाना चाहिए, आपको सर दबा दूं आपका? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। सुबह वो मेरा आंटी मतलब अम्मी को लेने जाएंगे ना, पता है वो बद को मानी नाराज की दिल में पलती नफरत बिल्कुल बोझ की तरह होते हैं। मैं सबको सर पे उठाए थक गई थी, अब सुबान में तलखी, दिमाग में इंतकाम और दिल में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ मैं, खास तौर पर दानियाल और हानिया से माफी मांगकर। ठीक कह रही हो बेटा, मैंने भी अपने दिल से साहिरा का ख्याल निकाल कर दानियाल और हानिया को एक करके अपना सारा बोझ हल्का कर लिया। मैं भी खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, बस अब हुमैरा मुझे माफ कर दे, न जाने ये रात कैसे कटेगी। आप उन्हें अभी कॉल कर लेना, अभी उदासी तो बचे, आपको चाहिए आप अभी कॉल कर लें। वरना न जाने ये रात कैसे कटेगी, फोन करो। ताई मुझे बताएं आप क्या खाना चाहती हैं, मैं बनाकर लाती हूँ। कुछ भी खा ले। खाना लाऊं? क्या हो गया ताई मी? अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है ना? वो को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया, वो आपसे माफी मांगने आएंगे। इसे हिम्मत ना हारे। हिम्मत करें भाई। मैंने कहा आपको फोन है, नहीं बात करें। हेलो हेलो अम्मी, फातिमा बात कर रही हूँ, आपकी बेटी। अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। हमेशा मुझे माँ की तरह प्यार किया, बच्चों की तरह रखा, और मैं आप सुन रही हैं ना? प्लीज अम्मी मेरे जवाब तो दे अम्मी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज कुछ तो बोलें।
प्लीज बात करें मुझसे। मम्मी वो बात ही नहीं कर रही। जानता हूं कि मेरा जुर्म नाकाबिले माफी है, तोहीन की है मैंने आपकी, आपके खलूस की, आपकी कुर्बानियों की। आप मेरे लिए अल्लाह का तोहफा, अल्लाह का इनाम है, जिंदगी की सबसे बड़ी सबसे हसीन हकीकत, मेरी सच्चाई। लेकिन न जाने क्यों मैं सायरा के फरेब में झूठ के रास्ते पे चला। लेकिन आपने हमेशा मुझे संभाला, सहारा बनी। नहीं जी सकता आपके बगैर, ना ही जीना चाहता हूं आपके बगैर। मुझे आपसे प्यार है, बस आपका इंतजार है। मैं आपको लेने आऊंगा सुबह, और इस सुबह का सूरज हमारी नई जिंदगी के लिए तलू होगा। फिर जिसकी कभी शाम नहीं होगी, बस आप होंगी, मैं होगा, और हमारी जिंदगी एक बार फिर से हसीन हो जाएगी। मैं आऊंगा आपको लेने। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। हेलो, अबू ने बताए ना तायमी। जोया, जोया सोलेहा, तायमी, तायमी उठे, तायमी, तायमी उठे। जोया कॉल करो डॉक्टर। आई एम प्लीज, आई एम। Mm-hmm.
मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने कहा था कि मैं आऊंगा आपको लेने, आपने मेरा इंतजार किया। मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए। यार राम, इससे क्या गुनाह हो गया मेरे 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 मारे मारे मेरे मारे मेरे मेरा मुझे माफ कर दे मेरे। मुझे माफ कर दे, एक बार कह दे, एक बार कह दे, मुझे माफ, एक बार कह दे, मुझे माफ कर दिया, मुझे मुझे माफ कर दे, मैं मुझे माफ कर दे, ओह
मेरा जाने आपके प्यार में मैंने अब्बू से कितने थप्पड़ खाए। इस बात का जाला मैं कैसे करूं? एक काम कर सकते हैं आप, अपने वो पुराने काले जूते पहनना छोड़ दें। मैंने आपके लिए 10 नए और पेयर्स ऑर्डर किए। क्यों, क्या खराबी है मेरे जूतों में? वो पुराने हो गए हैं ना। तो आई मीन यू नो यू कैन ट्राई समथिंग न्यू। तो एक दिन तो मैं भी पुरानी हो जाऊंगी, तो कोई और नहीं ले आओगे? अरे नहीं नहीं, आप जिस तरह पुरानी होती जाएंगी आप उस तरह और कीमती होती जाएंगी, यू नो लाइक व्हाट दे से, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा हाउ अबाउट वी सीमेंट दिस मोमेंट बाय टेकिंग अ सेल्फी? ओके। सो मच आनिया, आज तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। और तुमने मुझे, अबू हम जा रहे हैं। खुश रहो, क्या बात है, मेरी बेटी का, मेरी हानिया का बहुत ख्याल रखना। जी अब्बू। नहीं बेटा नहीं, बेटियां बाप के घर से रोते हुए रुखसत नहीं होती। मेरी दुआ है कि तुम सारी जिंदगी मुस्कुराते रहो, कभी कोई गम तुम्हारे करीब ना आए। दानियाल बेटा, वापस आकर अपना बिजनेस संभाल लेना, तुम्हारे अब्बू अब थक गए। जी अब्बू। खैर से जाओ, खैर से आओ। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अल्लाह हाफिज़ अब्बू।
वलीद, तुमने आज हुमैरा बहन का फर्ज अदा किया, अब इसी तरह जोया को भी तुमने रुखसत करना, राफेल की दुल्हन बनाकर। इंशाल्लाह। जोया, जोया भी तो मेरी बेटी है ना। इंशाल्लाह। चलो आजा। जिंदगी उन तमाम मर्दों के लिए एक सबक है जो अपनी बावफा और बाहया बीवियों की कदर नहीं करते, क्योंकि जब वो उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। मैं भी पछता रहा हूं और मरते दम तक पछताता रहूंगा कि मैं आपके साथ वफा नहीं कर सकता। और आप ने मरते दम तक मुझसे वफा की। दिल हमारा दिल, दिल हमारी औरत घर मीसनी बन जाए तो घर पर बात कर देती है, लेकिन औरत अगर मसीहा बन जाए तो आप हाथ कर देती जैसे आपने किया। खबर है तो बता दीवाना, जैसे आपने किया जा रहा है दीवाना दिल मुझे मुझे माफ कर दे मेरा, ये पागल अपनी ही धुन में जिए जा रहा है, माफ कर दे दीवाना दिल दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, मुझे माफ करते हूँ मेरा मुझे। Okay.
दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है दीवाना।